never stop fighting. वेलकम गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड की टॉप 5 सर्वाइवल मूवी। ये ऐसी मूवी है जो आपका जीने का अंदाज बदल देगी। ये मूवी आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर देगी और आपको एक नई राह दिखाएगी। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज से ना खुश है तो ये मूवी आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये मूवी आपको एक नया अंदाज सिखाएगी कि लाइफ को कैसे जीना है और लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। मैं इन सभी मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से वहां से जाके देख सके। और मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में ये 5 मूवी आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये मूवी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जुड़ी होगी। और वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज की टॉप 5 सर्वाइवल मूवी में नंबर 5 पे है 127 हॉर्स। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी एक संघर्ष पे बनाई गई है, कभी न हार मानने वाले जज्बे की है। तो चलिए मूवी की कहानी जान लेते हैं। ये कहानी एक एरन नाम के लड़के की सच्ची कहानी है। वो एक दिन साइकिलिंग कर रहा था तो वो किसी तरह से एक चट्टान में फंस जाता है और वहां से निकलने के लिए उसके पास अपना हाथ काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और वो अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ को काट देता है। ये 127 घंटे यानी कि ये 5 दिन उसने कैसे निकाले वो तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7.5 की रेटिंग मिलती है। इस मूवी का टोटल बजट $18 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $61 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 मूवी में एंट्री ले ली है। इसके बाद नंबर 4 पे है अलाइव। 1972 में एक प्लेन क्रैश दुर्घटना हुई थी जिस पर 1993 में ये मूवी बनाई गई है। तो चलो थोड़ी इस मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने 72 दिन अपने लाइफ के साथ सर्वाइव किया और ये 72 दिन ना तो कुछ खाने का था और ना ही कुछ पीने का था। तो चलिए मूवी की कहानी जान लेते हैं। ये कहानी नंदो पेराडो नाम के एक खिलाड़ी की है जो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कोलंबिया से चिली जा रहा था, जहां पर उसका एक मैच था। वहां जाते समय रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें 7 लोग वहीं पे ही मर जाते हैं। बाकी के सभी लोग वहां पर फंस जाते हैं क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और वहां तक किसी का भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। और इन सब ने 72 दिन जिंदगी के साथ कैसे सर्वाइव किया ये हमें मूवी देख के पता चलेगा। तो आप जाइए और ये मूवी जरूर देखिए। ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इस मूवी को IMDb रेटिंग पर 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का टोटल बजट $32 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $82.5 मिलियन कमाई करके हमारी टॉप 5 मूवी में एंट्री ले ली है। इसके बाद नंबर 3 पे है ग्रेविटी। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। ये मूवी साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। ये मूवी तो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी से हमें पता चलता है कि कुछ खोना और कुछ पाना क्या होता है। तो चलो इस मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। इस मूवी में हमें ग्रेविटी के बारे में बताया गया है कि कैसे अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट फंस जाते हैं और उन्हें मरने के लिए जमीन तक नसीब नहीं होती और उन्होंने जीने के लिए कितना सर्वाइव किया है ये इस मूवी में आपको पता चलेगा। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और इस मूवी को IMDb रेटिंग पर 10 में से 7.7 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का कुल बजट 81 से 130 मिलियन डॉलर तक था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $723.2 मिलियन की कमाई करके वर्ल्ड की टॉप 5 मूवी में एंट्री ले ली है। और उसके बाद नंबर 4 पे है माइन। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी हमें रियलाइज कराती है कि हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है और कहाँ नहीं। तो चलिए मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 2 अमेरिकन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अफ्रीका में कुछ खूंखार आतंकवादी को मारने के लिए आए थे और वहाँ पर उसका पैर एक माइन पे आ जाता है और वो वहीं पे फंस जाता है। उसके बाद उसने वहाँ पर एक ही जगह पर बिना पैर उठाए 1 हफ्ते तक वो खड़ा रहा। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को 79% गूगल यूजर्स ने लाइक किया था और IMDb रेटिंग पर 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $1.7 मिलियन के साथ ये मूवी टॉप 5 में नंबर 4 पे स्थान ले लिया है। उसके बाद नंबर 5 पे है द मार्टियर।
यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को रिडल स्कॉट ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी साइंस फिक्शन पर आधारित है। तो चलिए मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो मंगल पर फंस जाता है क्योंकि नासा ने उसे एक मिशन पर भेजा था, पर वहाँ पर कुछ हलचल होने के कारण वहाँ का संपर्क टूट जाता है और वो मंगल पर फंस जाता है। वहाँ पर धीरे धीरे दिन पे दिन गुजर जाते हैं और उसके पास राशन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर कैसे आलू की सब्जी उगाता है वो सब इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और अपना प्यार बरसाते हुए इस मूवी को टॉप 5 में जगह दे दी है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया था। ये मूवी को IMDb रेटिंग पर 10 में से 8 की रेटिंग मिलती है और इस मूवी का टोटल बजट था $100 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $630.2 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 में है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है और आपको इनमें से कौन सी मूवी पसंद है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी मूवी अच्छी लगती है और आपने कौन सी मूवी देखी। हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो मैं अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।